हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सलोनी जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग विद सलोनी। इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द वेरियस फंक्शन लाइक इफ, सम, मिन, मैक्स। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इफ फंक्शन, इफ विद इन इफ, मतलब इफ मल्टीपल इफ का कैसे यूज करेंगे वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टाइप द टोटल मार्क्स। आई हैव टेकन सिक्स सब्जेक्ट्स हियर, यू सी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, पंजाबी एंड संस्कृत इज ऑप्शनल। ओके, तो ऑप्शनल का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 600 मार्क्स ले लिए टोटल मार्क्स, और ऑब्टेन में आपने कैसे निकालना है, इक्वल सम, और आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, यू गेट द मार्क्स। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको परसेंटेज भी मिल गई। लेकिन अब आपने इसको कॉपी किया फॉर्मूला, और इसको अब अगर कॉपी करते हैं तो ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके 600 सब में लिखना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट वॉन्ट दिस, तो आपने क्या करना है कि आपने इस सेल को फिक्स बना देना है बाय प्रेसिंग F4 की, मतलब आपको $T $3 लिखना है। एंटर प्रेस करोगे, नाउ कॉपी द फॉर्मूला, तो आपकी परसेंटेज भी आपकी शो कर देगा। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने सिंपल एक कंडीशन किसके बेस पे लगाई थी, परसेंटेज के बेस पे, कि पास है तो पास, अगर फेल है तो वो फेल शो करे, ठीक है, ये किया था हमने। लेकिन इस कंडीशन में मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल लूँगी कि अगर वो पास है तो वो कुछ भी शो करना करे इस सेल में, अगर वो फेल है तो सब्जेक्ट का नेम शो हो जाए, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल एफ, तो मेरा जो फर्स्ट सेल है वो मेरा इंग्लिश का F3 है। इफ़ F3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 पासिंग मार्क्स हैं तो वो ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज वो उसका नाम दिखा दे इंग्लिश, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो अप टू सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखना है साइंस, तो सब आपको सिर्फ मैसेज चेंज करना पड़ेगा, और सेल में जाओ क्योंकि इंग्लिश दिया हुआ है तो यहाँ पर मैथ करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी के लिए HIN ले लेते हैं, ओके, एंड देन सोशल साइंस आई जस्ट टेक SST, ओके, और पंजाबी के लिए, अब यहाँ पर देखो पंजाबी और संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या तो मेरे मार्क्स पंजाबी में होंगे, अगर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर भी कॉपी कर लेती हूँ फार्मूला, तो मेरी संस्कृत में मुझे फेल दिखाएगा, है ना, दिखाएगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज कर देती हूँ, तो मैं कंडीशन क्या यूज़ करूँगी, इक्वल इफ दिस सेल इक्वल है ब्लैंक की, तो वो क्या करे, मुझे ब्लैंक ही शो करे, अदरवाइज वो इफ कंडीशन एक और लग जाएगी, अगर दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो मुझे वो ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज वो मुझे पंजाबी का मैसेज दिखा दे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल हो गया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ संस्कृत का नाम चेंज कर दी, संस्कृत ऐसे एंड कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैं फेल कर देती हूँ पंजाबी में, तो मुझे वो पंजाबी में ही दिखाएगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फेल और यहाँ पर भी कर देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे मैथ्स दिखा दिया और यहाँ पर मुझे 12 साइंस दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है बात। अब तीन सब्जेक्ट में मुझे फेल दिखा दिया उसको। अब रिजल्ट की बात करें, तो अगर मैं सिंपल आपको इफ कंडीशन बताऊं कि अगर इफ और एंड लगा देते हैं कि अगर ये सब में पास हैं तो मुझे वो पास दिखाए, तो मेरा फर्स्ट सेल F3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, G3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, I3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, J3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है। और अगर मैं K3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 लेती हूँ और L3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या दिखाए कि वो मुझे पास दिखाए, अदरवाइज मुझे फेल दिखाए। लेकिन अगर यहाँ पर, अब तो मैं फेल हूँ यहाँ पर, मतलब
डिटेल का ही फेल आएगा क्योंकि यहाँ पर तीन सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं सब में पास कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं सब में पास कर देती हूँ, ठीक है, तब भी मुझे वो फेल दिखा रहा है मैथ्स में, अब भी मुझे फेल दिखा रहा है। तो क्योंकि ये मेरा जो संस्कृत है इसमें अगर मैं यहाँ पर लिख देती 90 तो मुझे पास दिखा देगा, लेकिन मेरा तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैं कौन सी थोड़ी सी कंडीशन में क्या कर दूँगी, चेंजेस ला दूँगी। मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर से कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर J3 तक तो मेरा क्या है आपका सोशल साइंस, इसको अब क्लोज कर देते हैं और हम और कंडीशन लगा देते हैं, और फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। और का मतलब होता है कि एक ऑप्शनल है, मतलब कि एक चूज करना है उसको, कि अगर मेरा K3 > 35 है कॉमा और L3 > 35 है तो ब्रैकेट क्लोज, तो मुझे क्या दिखाए, पास दिखा दे, अदरवाइज वो मुझे फेल दिखा दे और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर उसने पास दिखा दिया क्योंकि वो सब में पास है। और अगर मैं इसको फेल कर देती हूँ किसी किसी सब्जेक्ट में तो वो मुझे फेल दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर फेल दिखा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि यहाँ पर मैं जिस जिस सब्जेक्ट में फेल है उनके नाम भी आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आप सिंपल क्या करेंगे, इस कंडीशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं इफ एक और यूज़ कर लूँगी, इफ अगर वो इक्वल है पास के, ठीक है, तो वो मुझे पास ही रहने दे, अदरवाइज वो मुझे फेल बताए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वो फेल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एम्परसेंड का यूज़ करके जो मैंने कंकैटिनेशन की है उसको जोड़ दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्परसेंड स्पेस डाल दूँगी, एम्परसेंड स्पेस डाल दूँगी, एम्परसेंड O3 एम्परसेंड स्पेस डाल दूँगी, एम्परसेंड P3 एम्परसेंड स्पेस डाल देती हूँ, ठीक है, एम्परसेंड नेक्स्ट चले Q3 एम्परसेंड स्पेस डाल दिया, एम्परसेंड R3 एम्परसेंड स्पेस डाल दिया, एम्परसेंड S3 एम्परसेंड मैंने यहाँ पर स्पेस डाल दी, ठीक है, ऐसे तो ज़रूरत नहीं लेकिन चलो डाल देते और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से मुझे वो आपको दिखा देगा फेलिंग साइंस हिंदी एसएससी जो जिसमें फेल है, आप पंजाबी में भी फेल कर दो तो वो पंजाबी में ही शो करेगा, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप पहले इसको फॉर्मूला कर इसको कॉपी करना पड़ेगा सब जगह, ठीक है, फिर हम उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। उनको भी कॉपी नहीं किया था इसलिए वो फेलिंग दिखा रहा, कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब आप इसको भी आप कॉपी पेस्ट की फॉर्म में दिखा सकते हो, जहाँ जहाँ वो फेल है वो उस सब्जेक्ट का नेम मिलेगा। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट, ठीक है। अगर वो सब में पास है तो वो सबको क्या दिखा देगा, पास। सपोज मैंने सबको पास कर दी यहाँ पर, ठीक है, 90 और हिंदी में भी पास कर देते हैं 78, तो अब वो मुझे देखो पास दिखा रहा है। ये कंडीशन भी मेरी सर्जन सही होती है, अदरवाइज तो जिस जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका नाम दिखा दे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ग्रेड भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक कंडीशन लगाई और एंड का ऑपरेट किया और इफ कंडीशन कहीं और यूज़ नहीं की, बार बार ही यूज़ की है। लेकिन अगर मुझे ग्रेड निकालना है तो मैं ग्रेड किस बेस पे निकालती हूँ, हमेशा परसेंटेज बेस पे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, इक्वल इफ दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95 ले लेते हैं, 95% है तो वो मुझे ए ग्रेड शो करे, कॉमा इफ अगर ये सेल मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85% है तो वो मुझे बी ग्रेड शो करे, इफ वी थ्री
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75% है तो वो मुझे सी ग्रेड शो करेगी. इफ वी थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में लेते हैं तो वो मुझे डी ग्रेड शो करे, अदरवाइज वो ई ग्रेड शो करे, उसके नीचे तो सब ई ग्रेड. और जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की है 1, 2, 3, 4 उतनी आपको क्लोज कर देनी है. तो इस तरह से आपका ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक गलती की है हमने, हमने यहाँ पर इस पे परसेंटेज साइन का भी यूज करना है. मैंने जान के आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया कि यू हैव टू यूज, अगर यहाँ पर परसेंटेज साइन है तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, परसेंटेज साइन दिखाना है, नहीं तो वो एरर शो करेगा. ठीक है, अब आप देखोगे तो इसका ग्रेड आपका सी आया, इसकी 78%. तो मेरी इस केस में बैठ रही है 75 से जो भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है तो वो मुझे दिखाए. अब जब मैं कॉपी करूँगी तो ये इस तरह से फॉर्मूलाज सारे हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ गया है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को. और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस इफ कंडीशन तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, तो मैंने हर तरह की आपको इफ़ कंडीशन बताने की कोशिश की है. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपना डाल सकते हैं. आई विल गिव यू द I will clear your doubt, right? Until then, keep watching, keep learning.